हाँ जी, सारे का की हाल चाल है। होप तुसी सारे ठीक होंगे। तो आज वीडियो स्टार्ट करते ना मुझे ना बहुत हंसी आ रही है, बहुत। बेवकूफ इंसान, घटिया इंसान है ना, अपनी खुद की औकात दिखा रहा है ना। हंसी मुझे इसलिए आ रही है कि बंदा धमकी देने की कोशिश कर रहा है ना, पीछे हट जाओ कहने की कोशिश कर रहा है कि जैसे मुझसे डर के कुछ और लोग पीछे हट गए हैं ना, कि मैं भी डर के ऐसे पीछे हट जाऊं। तो मेरी बात सुन अंकल, मेरी बात सुन बच्चू, तू जितना मर्जी जोर लगा ले, ऊपर से लेके नीचे तक जहां तक जोर लगा सकता है अपनी बहन के साथ मिलके ना, तुम और तेरी बहन ऊपर से नीचे तक जितना भी जोर लगा सकते हो लगा लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तू तेरे को जो प्रूफ दिखाने हैं आपका, ये पता है भाई दिखा, मैं तो वेट कर रही हूँ, आई एम वेटिंग, तू दिखा, मेरे को किसी चीज़ का डर नहीं है, मुझको क्या डराता है तू, कौन से किस्से, कौन सी कहानियाँ, कौन सी बताना चाहता है बता भाई। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं तो अब तक भी सोच सोच के बोल रही थी है ना, कि चलो यहाँ पे ऐसा यहाँ पे, और आप लोगों को ये जो जुत्ती जुत्ती करके बताया जा रहा है, ये जुत्ती का इतना दुख नहीं लगा। मैंने ये बात बोली है कि उसने उसकी जुत्ती पहनी है, इस बात का दुख नहीं लगा। अब रियल रियलिटी क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। ये सारा ड्रामा, ये सारा तमाशा क्यों हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इतने चाहे तुम ऐसे डेली व्लॉग बनाओ, डेली धमकियां दो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। मैं जानती हूँ तेरी पहुँच, तेरी औकात कहाँ तक है ना, मैं तेरी औकात से बाहर हूँ है ना, ये तुझे बता दूँ, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब ये तो तू मान गया ना कि तेरी पड़ोसन हूँ, मान गया ना, पहले लोगों को बोल रहा था, डिनाई कर रहा था कि नहीं पड़ोसन नहीं है, पर मान गया ना पड़ोसन है। कोई बात नहीं बच्चू, धीरे धीरे सब कुछ मान जाएगा। अंकल तू 36 साल का अंकल तू है, 36 साल का, जिसको आंटी बोल रहा है वो तुझसे भी छोटी होगी शायद, समझा। तो बुखला गए हैं दोनों। अब बुखला कैसे गया है ये वो भी मैं आपको बताती हूँ। भाई हम इतना कुछ बताते हैं, रियल बातें हैं, सच्ची बातें हैं, तभी तो इतना दुख लगा, तभी तो इतना पंप दिया इसकी लोमड़ी ने इसको। अब भाई बंदे ने ले लिया आईफोन लिया तो बहन को हो गई जलन। अब बहन तब से पंप दे रही है, कुछ ऐसा कर कंट्रोवर्सी हो, अच्छे व्यूज आए, ताकि तुम मुझको भी आईफोन लेके दे, है ना। अब दोनों मिलकर भौंक रहे हैं, व्यूज आएंगे, और बहन अपना भौंकना इसलिए दिखा रही है। अभी ये जो आप रूप देख रहे हो ना सिस्टर का, पीछे से लोमड़ी सिस्टर का, वो सिर्फ 10% जुबान देखी है आपने, सिर्फ 10%। तो ये हिसाब लगा लो है ना, ये 10% ही कितनी आपको सुनने में कैसी लगी मेरे को बताना। तो इससे भी ज्यादा गंदी जुबान ये प्रीति के लिए यूज किया करते थे, तीनों ऐसे ही आसपास बैठ के उसकी प्रेगनेंसी में उसको गंद बोला करते थे, उस पर चढ़ जाते थे ये तीनों। ये जो बहन आज बहुत बकवास कर रही है ना, बड़ी खुल रही है जुबान, तो मेरी बहन जुबान तेरी बड़ी लूमड़ी खुल रही है, तो चेहरा क्यों छुपा के बैठी है, सामने चेहरा करके बात करती ना, फिर इतनी गट्स है तो सामने आके बात कर, अपना मुंह तो दिखा जब बोलती है। मुझे बोल रहे हो मुंह दिखाने को, मैं तो शुरू से ही नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया पे कोई अपना चैनल खोल के अर्निंग नहीं करनी है, जब करनी होगी तब आ भी जाऊंगी है ना। जैसे कि तूने बोला कि यूट्यूब किसी के बाप का नहीं है, है ना, तो रियल है ये, सच है, यूट्यूब किसी के बाप का नहीं है, लेकिन यूट्यूब पे बहुत लोग अपने दम से आते हैं, लेकिन तू अपनी वाइफ के दम से आया है, समझा। तूने ये जो कमाई अपना पुट्ठे सीधे योगा करके तब दिखाता, तेरे को कोई नहीं देखता था, तेरे को गांव में भी लोग हंसते थे तुझको देख के, कोई नहीं तुझको देखता था। अब तेरा दम कहाँ बना, जब तेरी शादी हुई तो वाइफ के जरिए वो तेरा दम बन गया है ना, और ये हंकार, ये अकड़ बोलने लग गई फिर। और जो ये बातें हो रही है, 2016 का प्रूफ लेके आना, भाई बहना तूने अबॉर्शन करवाया था, तूने संभाल के रखी है फाइल, तूने संभाल के रखी है, या उस वक्त तूने प्रूफ बांटे थे जो मैं तुझको बताऊं, लेकिन गांव में सबको पता है कैसा हुआ था। अपनी बहन के रिश्ते टूटे हैं, कह रहा है कि इज्जत से टूटे हैं, वाह भाई वाह, दिल्ली वाले से पूछ कितनी इज्जत से टूटे हैं, कितना घुमाया फिराया उसने, कितने कहां कहां अकेली जाती थी उसके साथ, अकेली दो दो तीन तीन दिन के लिए शिमला जाती थी उसके साथ, वो इज्जत से रिश्ते टूट गए थे, वाह भाई ऐसे रिश्ते तोड़ने में इज्जत होती है, मुझे नहीं पता था। मुझे बोल रहा है कि जो कुछ बता रहे हो आपके साथ हुआ है, अच्छा जी तो तू भी उसका प्रूफ बता देना कि मेरे साथ हुआ है, दे प्रूफ। बहन पे बात आई, बहन की सच्चाई खुलने लगी, बहन की बातें सामने आने लगी, तो बड़ा दुख लगता है भाई। मैं तो बोलती हूँ झूठ है तो फिर खा ले कसम, अपने तेरे घर में रखा हुआ ना भगवान, उसकी कसम खा ले विद रिस्पेक्ट। फिर बोलोगे भगवान को बीच में लाती हो, वो तुम लोग लाते हो ना संस्कारी सामाजिक लोगों की, अब बातें सुन लो ना बातें। और तू जो बोल रहा है कि तेरी बातों के जवाब दूंगी मैं, अच्छे से दूंगी, कि एक दाढ़ी वाली जनानी है ना और दूसरी की शक्ल नहीं है, है ना, तो भाई तू मुझे बता
तेरी तो शक्ल भी अच्छी नहीं है और दाढ़ी भी पूरी नहीं है, तू क्या है? ना तू जनानियों में है ना तू मर्दों में है, तू कौन सी चीज है फिर तू ही बता दे। तू क्या है जो तेरी माँ और बहन तुझको बोलते हैं हिजड़ा? वो तेरी माँ तो तेरी शादी वाले दिन तक तुझे तेरी माँ बहन बोल रही थी तो हिजड़ा है ना, वाइफ के सामने बोल रही थी है। तू कहाँ जा रहा है उधर कमरे में क्या करने जा रहा है, तू तो हिजड़ा है, तेरे को बोला था ना ऐसा। तो वो तो तेरे घर वालों को, तू तो अपनी माँ और बहन को प्रूफ करता रह गया कि तू हिजड़ा है या कोई और है। और यही तेरी बहन जब प्रीति प्रेग्नेंट हो गई तो उसको बोल रही थी कि हमारा भाई तो हिजड़ा है, तू प्रेग्नेंट कैसे हो गई भाई, इसका डीएनए करा ले। बात घर से ऐसे ही शुरू हुई थी ना, क्योंकि तेरी बहन को तुझ पे यकीन नहीं था। तो पहले अपनी तेरी बहन क्या लोगों का यही चेक करती रहती है कि मर्द है कि नहीं है, तेरी बहन को और काम ही नहीं है। माँ का भी वही स्वभाव है, दुख सच्ची बातों का दुख क्यों लगा? अगर सच्चे हो हाइपर नहीं होते तो फिर आज ये हाइपरनेस क्यों आ रही थी, इतने हाइपर क्यों हो रहे थे, आराम से बात करते। बहन को तो पीछे आग लगी हुई है, आग लगी हुई सच्चाई सामने आ रही है ना, बहन का असली मुखौटा सामने आ रहा है। और लेवल की बात करता है ना, बहन के लेवल की, तो भाई बहन को अच्छे लोग मिल गए हैं, बहन को अच्छा ससुराल मिल गया है जो कि इस नीच का लेवल था नहीं। वो कहते हैं ना औकात से ज्यादा जरूरत से ज्यादा मिल गया है। वो लोग अच्छे हैं, वो भी इसको चुभते हैं दिल में, सिर्फ यहाँ ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए ऐसा वैसा। अरे भाई इतना ही है तो फिर मैं भी बोलती हूँ पंकू को, तेरे जीजे को बोलती हूँ कि भाई तेरी बहन का फोन चेक करे, फिर उसको भी पता चले कि इसकी लोमड़ी गुल क्या खिला रही है। हस्बैंड का हर्नियों का ऑपरेशन हुआ, इधर सास को तेरी माँ को चिंता पड़ गई कि कहीं हमारा जवाई ना मर्द ना हो जाए, अगर ऐसा हुआ हम तो छनछन लोमड़ी की दूसरी शादी कर देंगे। वाह भाई वाह वाह, ऐसी तुम लोगों की सोच है, मर्द 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 ढूंढती फिरती है तू, तेरी बहन और ये, और तू तुझको कहती है कि तू है नहीं मर्द, पहले तू घर में ही प्रूव कर लेना कि तू है। आज बड़ा मुंह खुल रहा है बहन पंप, भाई जेलसी बहन को हो गई कि भाई ने आईफोन ले लिया, अब उसको प्रवोक किया जा रहा है कि मेरी भी मशहूरी कर। ये यहाँ पर यूट्यूब पे अपनी माँ और अपनी बहन की मशहूरी कर रहा है, पब्लिसिटी कर रहा है। क्यों? क्योंकि कल को आवाजों से अब पब्लिसिटी होगी, फिर बहन का चैनल सामने आएगा, फिर उधर भीड़ जो है वो देखने जाएगी। बहन की पब्लिसिटी ऑलरेडी हो गई, बोल दिया ना कि नहीं मैं भी सामने आऊंगी, मैं भी अपना चैनल लेके आ रही हूँ, तो आ मोस्ट वेलकम, मैं सब्सक्राइब भी करूंगी तेरा चैनल। फिर आएंगे फेस टू फेस, टेंशन मत ले, तू आ चैनल लेके फिर आएंगे फेस टू फेस, डोंट वरी है डोंट वरी। जो तू बाप 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 करते हैं तो डरती, मैं भी किसी के बाप से नहीं हूँ, समझा? तो जितनी मर्जी धमकियां, लीगली आ जा अनलीगली आ जा, जैसे मर्जी जैसे तैसे मर्जी आ जा, मैं डरती नहीं हूँ। तेरे जैसे कुत्ते जो है ना भौंकते हैं काटते नहीं है, और कुत्तों की तरह तुम्हें भौंकते हुए देखते तो हमको कितने साल हो गए हैं, जब यूट्यूब थी तब भी, जब नहीं थी तब भी, तुम लोगों के घर से ऐसे ही आवाजें आती हैं कुत्तों के भौंकने जैसी, जो कि रियलिटी है, जो कि अब लोगों को नजर भी आएगी। भाई देखो ना, ये तो अभी आपने 10% देखा है, ओनली 10%, इससे भी ज्यादा गंदी जबान है। और मेरे को हंसी आ रही है, बोल रहा है दाढ़ी वाली जनानी। भाई दाढ़ी वाली जनानी ठीक है, उसकी दाढ़ी उसको जनानी बोल दिया, तो तू दाढ़ी उगा के दिखा, मान जाऊंगी मैं, उतनी दाढ़ी उगा के दिखा अगर तू असली मर्द है तो। भाई है तू तो जनानी भी नहीं है फिर, तू तो जनानी भी नहीं है, ना तू मर्द है ना तू जनानी है, तू तो बीच का रह गया फिर है, तू तो बीच का रह गया। तेरी बहन सही बोलती थी कि ये बीच का है, ये उसी की वेटिंग है, मुझे मत बोलना है अंकल, कमीनी अंकल मुझे मत बोलना कुत्ते अंकल, ये तुम्हारी बहन बोलती है, लूमड़ी बोलती है तुझको, है ना, प्रूफ मांग रही है ना बार बार अबॉर्शन। अरे किसी ने तो एक अबॉर्शन बोला था, मैंने भी किसी से ही सुना था कि 2016 में इसका अबॉर्शन हुआ, मैं तो चुप थी, मैंने कहा नहीं हम अपने चैनल पे नहीं बोलेंगे ऐसी बातें, हमको नहीं करनी है, लड़की है उसकी इज्जत रखेंगे। लेकिन किसी और चैनल ने बोल दिया कि 2016 में ऐसे हुआ था, मैंने तो वहां जाके कमेंट भी नहीं किया कि हाँ हुआ था, मुझे तो पता था कि हुआ है। मैंने फिर बोला कि ऐसा कुछ हुआ था भाई, अगर मैंने या किसी और ने सिर्फ अबॉर्शन बोला है, इसने तो अबॉर्शन बोल दिया, मीन्स प्लस एक नहीं दो नहीं शायद ज्यादा, प्लूरल आ गया ना, सिंगल नहीं प्लूरल आ गया। तो भाई ये तो फिर उसके साथ हुआ इसीलिए तो प्लस बोल रही है, हमने तो एक बोला था, उसने तो ज्यादा बोल दिए। बहन की जुबान फिसल गई ना, वो फिसल के लोमड़ी की जुबान से सच निकल गया कि उसने क्या बोला है, समझ रहे हो ना। तो भाई तुम 38 नंबर जूती 39 के मारोगे है ना, तो भाई फिर तुम्हारे ऊपर 40 की भी पड़ सकती है, 40 की प्लस भी हो सकती है, 40, 41, 42 की भी हो सकती है, इससे ज्यादा तुम्हारी नहीं होगी, तुम्हारी जूती छोटी रहेगी, छोटे छोटे हो ना, जूती छोटी रहेगी, अगर बड़ी जूती पड़ेगी ना तो फिर नीचे कुचले जाओगे। तो धमकी मत दे मेरे को, ये लीगली आएगा वीगली आएगा ऐसा आएगा, तू दिखा तू प्रूफ दिखा, ठाठा मार प्रूफ, आई डोंट केयर जो 15K है ये है कॉन्ट्रैक्ट्स है वो है ऐसा है, तो दिखा उससे मुझे कोई, मुझे टेंशन ही नहीं है भाई, तो दिखा। जिसको टेंशन होती है ना वो बौखलाता है तेरी तरह,
और मैं तो इतनी हाँ भाई, मैं तो सच में, मेरे को बोलता है ना कि ऐसी आंटी है वैसी आंटी है भाई, हाँ मैंने तो फिर भी, मैंने तो इनकी कितनी बातें छुपाई है भाई। मैंने तो ये नहीं बताया कि छनछन लोमड़ी का अफेयर उसी के कजन, सगे कजन ब्रदर के साथ था, मैंने तो ये बताया नहीं। अब तू मेरे मुंह से सच निकलवाना चाहता है ना, तो तेरा फादर तेरी माँ को तुम्हारे सामने मारा करता था है, और उसके मरने के बाद तुम दोनों बहन भाई मिलके अपनी माँ को मारा करते थे, फिर इसी चक्कर में तुम्हारी माँ का चक्कर तुम्हारे मासड़ के साथ चला जिसपे तू घर पे लड़ाई किया करता था, है ना। उस वक्त क्या बोलता था अपनी माँ को कि वी शेप के सूट के गले पहन के मासड़ के सराहाने जाके बैठ जाती है, यही बोला करता था ना तू। तू बोलता ना आप लेवल बहुत नीचे चले गए आपने बहुत, मैंने तो ये सारी बातें बोली नहीं थी, ये भी रियलिटी है। तो खुद अपनी माँ को अपने मासड़ के साथ जोड़ा करता था, खुद बोलता था कि माँ का अफेयर हो गया मासड़ के साथ, है ना, कि उसी के साथ मंजे पे बैठी गप्पे मारती रहती है सर्दियों में जब धूप निकलती है, याद है ना। तो मेरे को तो याद है भाई, हमको तो याद है, मैंने तो ये सारी बातें करी नहीं। अब तू मुझे, अब ये प्रवोक तो तुम कर रहे हो भाई, क्यों मुझे प्रवोक कर रहे हो कि मैं सारी बातें बताऊं। मैंने तो शुरू से बोला कि मैंने बहुत सारी बातें हैं जो मैं बताना बेटर नहीं समझती, कि मुझे नहीं लगता कि एक एज्ड पर्सन के बारे में ऐसा बोला जाए, लेकिन उसका खुद का बेटा ही उस पर ये इल्जाम लगाता था ना, बता ना। अब वाह भाई, मैं तो सच में अच्छी नहीं हूँ, मैंने तो किसी को नहीं बताया कि माँ का अफेयर मासड़ के साथ था, बहन का अफेयर कजन के साथ हो गया था, और सबसे बड़ी बात हस्बैंड की जॉब कहीं और लग गई अब, है ना, पंकू की जॉब कहीं और लग गई कार्टून जीजे की, बहन जिस यस बैंक में अब भी जाती है ना, उसमें जो मंदन है, मंदन बॉयफ्रेंड है तेरी बहन का, मुझे तो ये भी पता है। उसके हस्बैंड को बोलना कि बहन का भी तेरी के फोन की रिकॉर्डिंग करे, उसका उसका जो होता है व्हाट्सएप हैक करे, उसकी भी चैटिंग देखे जरा लोगों के साथ, किन किन के साथ बात करती है। उस मंदन से जब बात करती है तो बोलती है ना पंकू साला ऐसे, पंकू साला, ये इसकी लैंग्वेज अपने ही हस्बैंड को साला बोलती है, फिर डरती नहीं है ना उससे, डरती नहीं है, अपनी मर्जी से सब कुछ करती है। तो तू तो मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं सारी बातें बताऊं, हाँ पड़ोसन हूँ, जानती हूँ सब कुछ, जिधर तेरा इशारा है ना सब जानती हूँ। अब तू चाहता है कि मैं तेरी और पास्ट में जाऊं और तुम्हारी मदर की भी सारी बातें यहाँ फरो लूं, है ना, कि कैसे शादी हुई थी तेरी माँ की, तेरे फादर के साथ क्यों हुआ था रिश्ता, ऐसा क्या हो गया था कि जल्दबाजी में इनको एक ही जगह तीनों बहनों की शादी करनी पड़ी है एक ही फैमिली में। तू चाहता है ना, इतना वो कहते हैं ना पंजाबी च, इतना सता सवित्रा बन के मत दिखा, जो काले सीक्रेट है ना तुम लोगों के, डार किसी के सीक्रेट सामने आ रहे हैं तो वो बुखलाहट हो रही है, बुखलाहट हो रही है। जाहिल बोल कुछ भी बोल, तू तो गवार है, तू तो गवार है और कमीना है, और माँ तेरी नागिन है शुरू से ही, अब तो माँ की सच्चाई भी सामने आएगी भाई। मैं इतना अच्छा बनके मैं नहीं रहना चाहती, मैं तो सारी बातें बताऊंगी, मुझे किसी का डर नहीं। तू जिधर मर्जी जाके केस ठोक ले, है ना, तू मुझ पे केस ठोक, चैनल पे तू कॉपीराइट दे, कुछ भी कर, तेरा ये तेरा वो, तू कर ले जो करना, आई डोंट केयर। चैनल एक गया तो फिर मैं अपना खोलूंगी, ये चैनल तो मेरा है भी नहीं ना, फिर नेक्स्ट मैं अपना चैनल खोलूंगी, तू टेंशन मत ले। तू जितने कॉपीराइट देने हैं दे, तू दे क्यों नहीं रहा, दे कॉपीराइट, आई डोंट केयर, डरा मत। फोकी वो कहते हैं ना पंजाबी जावे हवा च ना तीर मारा में ना धमकियां दे, डरन वाले नहीं असी, हाँ डरन वाले मैं किसी की माँ, किसी के बाप, किसी के भाई, किसी के बहन, मैं किसी से भी नहीं डरती, समझा। और तू मेरे लेवल की बात करता है, तेरा लेवल बहुत नीचा है, तेरा लेवल बहुत नीचा है भाई, मेरा लेवल ना नॉर्मल है, एक अच्छा इंसानों वाला अच्छा लेवल है मेरा, समझा। मैं तेरे जैसी नहीं हूँ, जितना गंदा तेरा लेवल है ना, तू तो किसी को लड़कियों को बोलता है लाइव कर करके कि आजा तुझे बताऊँ मर्द क्या होता है, बहन को भी ऐसे ही बोलता है घर में, जब तेरी बहन तुझको बोला करती थी ना हिजड़ा हिजड़ा, तो तू उसको बोलता था ना आजा मैं तुझे दिखाऊँ मर्द हूँ कि नहीं हूँ, है। और जो तू लास्ट में आज बोला, देखो भाई मैंने बोला ना स्लिप ऑफ टंग, जब टंग स्लिप होती है सच बाहर आ जाता है, जैसे इसने बोला ना कि मैं नंगा होकर नाचूंगा, भाई ये नंगा होकर नाचता है घर पे, जब इसकी माँ और बहन इसको हिजड़ा बोलते हैं ना तो नंगा हो जाता है सच में, अल्फ नंगा जिसको बोलते हैं, अल्फ नंगा होकर उनके सामने नाचता है उनको शो करने के लिए कि मैं मर दूं। अब गंदगी खुद बोल रहा है, क्यों, क्योंकि इनके घर में होती है ये सब, ये करते हैं इसीलिए ये सब कुछ। अब मैंने ऑलरेडी बताया इसकी इज्जत थोड़ी बहुत घर वाले अब करने लगे हैं, क्यों, क्योंकि अर्न होना शुरू हो गया है ना, अर्न होना शुरू हो गया, ये वही इंसान है जिसने, हाँ। और ये बता मेरे को, तू बोलता है कंचन छनछन जो भी है ये बड़ी अच्छी करेक्टर वाली है, और इसके रिश्ते तीन टूटे हैं ना, इज्जत के साथ टूटे हैं भाई, जो दिल्ली वाला था उसके साथ शिमले घूमने जाती थी, रातें अकेली उसके साथ स्पेंड करती थी, वो तो बहुत बड़ी इज्जत बनाई उसने, है ना, बहुत बड़ी इज्जत बनाई, उससे ज्यादा रिच मिल गया तो उसको छोड़ दिया रिश्ता तुड़वाने के लिए, माँ को बीच में डाला, रिश्ता टूट गया, चेंज एक्सचेंज की हुई चीजें, लेकिन जो उसका पैसा खाया वो तो नहीं ना इसने दिया उसको वापस, ये इज्जत थी भाई, ये इज्जत थी। और फिर
उसके बाद भी जो रिश्ते टूटे हैं दोनों के साथ, घूमना फिरना, होटलों में खाना खाने जाना इकट्ठा, वो भी इज्जत थी, वो भी इज्जत थी। और वो बेइज्जत वाले रिश्ते हैं जो घर पे बैठे बिठाए हुए, घर पे बैठे बिठाए टूट गए ना, उनमें बेइज्जती है भाई। इज्जत से रिश्ता तोड़ो। एग्जाम्पल लो छनछन लूंबड़ी की, जाओ रिश्ता जिसके साथ हुआ है उसके साथ जाओ, घूमो फिरो, ऐश करो, और उसके बाद इज्जत से रिश्ता माँ से कहलवा के तोड़ दो। जब सेट नहीं ना बैठा कि नहीं भाई हमको तो ये पसंद नहीं, सूट नहीं किया मुझे, तो माँ को बोलो इज्जत से तोड़ दो, ये तुम्हारा इज्जत से टूटना रिश्ता है। वाओ वाओ। और ऐसी बहन जिसको सब ना मर्द दिखते हैं, क्या मर्द मर्दों को परखती रहती है क्या ये बता मुझे को, रिश्ते तीन तीन तोड़े, चौथे से शादी कर ली, अगर उसका ऑपरेशन हो गया तो उसका टेंशन पड़ गया कि भाई ये नामर्द ना हो जाए, हैं जेठ को भी नामर्द बोला जाता है, ससुर को भी बोला जाता है। अगर उनको सच्चाई इसकी जुबान पता है, खोल चैनल, आई एम वेटिंग, तू चैनल खोल, तेरी सच्चाई बाहर आए। भाई मैं तो ऐसे ही कंटिन्यू करूंगी, मुझे तो किसी का बाप नहीं रोक सकता, मुझे तो किसी का बाप नहीं रोक सकता, ना तेरा ना किसी और का, समझा। मैं तो अब और भी जो तुम्हारी बातें हैं जो मैं नहीं बोल रही थी ना, मैं वो भी बाहर लाऊंगी, मैं वो भी बाहर लाऊंगी। और आज फिर मैं बताती हूँ, आज मैं वो भी बताती हूँ, तेरी भाभी जिसके साथ तेरा चक्कर था, है ना, चक्कर तूने क्यों चलाया, माँ माँ की ही रिश्तेदारी में भाभी से चक्कर चलाया माँ को प्रूव करने के लिए कि मैं मर्द हूँ। और वो भाभी कहीं ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, पास में ही है, सगे रिश्ते में भाभी है। अब तू ये बता दे, फिर तो उसको भी अपने बच्चों का DNA कराना पड़ेगा, फिर उसमें से एक आध कहीं तेरा ना हो, है ना। आज मैं रियली अपने सब्सक्राइबर से, मेरे व्यूअर से रियली सॉरी 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 मांगना चाहूंगी कि ये सारी इन्फॉर्मेशन तो मुझे तुम लोगों को पहले ही दे देनी चाहिए थी। और सॉरी ऑल्सो कि अगर आपको लगे ना कि आज मैं कुछ ज्यादा बोल रही हूँ, या मैं तो फिर भी बहुत कंट्रोल करके बोल रही हूँ, मैंने इनके जैसी लैंग्वेज तो अभी यूज नहीं की कि चिच्चड़ की तरह चिपकी, वैसे चिपकी, भाई तुझे तो दो चिच्चड़ चिमके हैं, चुमके नहीं चुंबड़े हैं, पंजाबी में चुंबड़े हैं बोलते हैं भंकू कमीने, तुझे दो चिच्चड़ चुंबड़े हैं, एक तेरी माँ एक तेरी बहन। और उन्हीं को दिखा दिखा के उनकी पब्लिसिटी कर करके तू क्या उसको बोलता है, व्यूज लेता है, कभी बहन ने दुपट्टा नहीं लिया, कभी माँ ने नहीं लिया, उनके कहाँ कहाँ कैमरे मार के तू व्यूज लेता है, कंटेंट बनाता है, और दूसरी तरफ इज्जत की बातें करता है, दूसरी तरफ इज्जत की बातें करता है और इज्जत से टूटे रिश्ते बताता है। वाह भाई, रिश्ते भी इज्जत से टूट गए। और बहन जो अब भी जगह जगह मुंह मार रही है भाई, तो फिर तू अपनी बहन के बेटे का भी DNA करा ले कि पंकु का ही है या किसी और का है। सॉरी टू से मैं लोगों को बोलूं, लोगों को लगेगा कि मैं रूड हो रही हूँ, तो आई डोंट केयर, लगता है तो लगे, मैं सच बोलूंगी अब तो मैं रियली, जो रियल सच है वो सच, कड़वा लगता है लगे, लेकिन मैं बोलूंगी अब। ऑफिस में ही बैंक में किसी और लड़के के साथ अफेयर है, उसके साथ खड़ी चिपकी बहुत लोगों ने देखी है, है ना। अब फोटो मैं डाल नहीं सकती, या डाल दूं, अब कहीं नजर आई ना तो सच में क्लिक करूंगी फोटो, सच में क्लिक करूंगी दोनों की फोटो। मंदन बोल रही हूँ, मंदन से मिलता जुलता नाम है, एम के आगे कुछ भी लगा लो, बी लगा लो, सी लगा लो, डी लगा लो, है ना, वो असली नाम बन जाएगा, और इनको पता भी है। तो भाई फिर पंकु तेरे को मेरी एडवाइस है, इनसे सीख कुछ, जैसे ये रिकॉर्डिंग्स करते हैं, जैसे ये व्हाट्सएप हैक करते हैं, तू भी कर अपनी वाइफ का, तुझे भी चाल चलन पता लगे, तुझे भी चाल चलन पता लगे। ये वही लड़का है जिसने अपनी बहन को पकड़ा था किसी के साथ, और फिर उसका ताफड़ा भी लाया था, पंजाबी च ताफड़ा कहते हैं, है ना, तेन फिर मैं अज चंगी तरह पंजाबी भी सिखाई दिनी है। और हिंदी में क्या बोलते होंगे, छित्तर परेड, नहीं छित्तर परेड भी पंजाबी में ही होती। इसी भाई ने फिर इसे छनछन लूंबड़ी के अच्छे से छित्तर परेड की थी, इससे इसका फोन छीन के तोड़ दिया था, तब इसकी शादी नहीं हुई थी, तब इसके ऐसे ही चक्कर चलते थे, कभी कोई लड़का कभी कोई लड़का, बकरे बकरे थे भाई, बकरे थे, अमीर बकरे, क्योंकि प्यार तो किसी को एक बार हो गया होगा तो मान लेते हैं भाई, तीन तीन चार चार बार प्यार नहीं होता, वो तो बकरे फंसाए जाते थे इजी वे से मनी कमाने के लिए। आज मैं रियलिटी बोल रही हूँ, बहुत लोगों को अच्छा लगेगा और बहुत लोगों को बुरा लगेगा। अच्छा उनको लगेगा जो शुरू से मुझे बोल रहे कि इनकी सच्चाई बताओ, इनको एक्सपोज करो, लेकिन मैं फिर भी लिमिट रखती थी एक कि नहीं, कुछ ऐसी बातें हैं चलो जो नहीं करनी चाहिए, छोड़ो 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 छोड़ो, छोड़ ही रही थी मैं, लेकिन अब मैं क्यों छोड़ू भाई, कोई मुझको धमकियां दे रहा है तो हम सच भी नहीं बोल सकते। अब तो तू धमकियां देगा जितनी, उतना ही मैं सच ज्यादा बोलूंगी, तेरे कहने से सच झूठ नहीं हो जाएगा, जिसको मानना है वो मानेगा, जिसको नहीं मानना वो नहीं मानेगा, बट इधर से कंटिन्यू रहेगा बेटा, इधर से कंटिन्यू रहेगा बंकू अंकल, बच्चू बच्चू ही है तुम। ये बंदा नेगेटिव पब्लिसिटी अपनी इसलिए करता है ताकि और व्यूज आए, बहन और माँ को दिखाता है बिना दुपट्टे के ताकि और व्यूज आए। और जब इसकी यूट्यूब नहीं थी तब अगर इसकी बहन ने दुपट्टा नहीं लिया तो बोलता था, तो उसको दिखाने के लिए घूम रही है नंगी, तो उसको दिखाने के लिए घूम रही, और माँ को बोल देता था कि डीप गला पहन के मास्टर को दिखाने जा रही है,
मैंने तो किसी को नहीं बताया था कि इसकी मासड़ के साथ भी अफेयर था, तेरी मदर का मैंने बताया। एक बहन, तुम्हारी माँ की सगी बहन, उसका हस्बैंड तुम्हारा मासड़ भी है और तुम्हारा चाचा ताया भी है ना। वो तुम्हारी माँ को बुलाती भी नहीं है अच्छे तरीके से, तुम लोगों को बुलाती भी नहीं है, इतने अच्छे से मिलती क्यों नहीं मिलती, यही कारण है भाई। जब खुद की बहन ही खुद का घर उजाड़ने पे आ जाए ना, तो फिर ऐसे ही होता है। और होता क्या है, समाज, मोहल्ला, रिश्तेदारी, उसमें खुल के हम कुछ बोल भी नहीं सकते। ये है तुम लोगों के डार्क सीक्रेट। और उसी मासड़ ने तुम्हारी माँ का रिश्ता तुम्हारे फादर के साथ करवाया, इसलिए क्योंकि तुम्हारी माँ रहे आंखों के सामने, इधर उधर मिलने के लिए बहाना ना ढूंढना पड़े। ये है डार्क सीक्रेट पास्ट का, जो मैं बताना नहीं चाहती थी और तू चाहता है कि मैं बताऊं, तो मैं बता रही हूं आज फिर। और ऐसी बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलती रहेंगी, सारी बताऊंगी अब मैं, जब इसके फादर थे, क्यों इसकी माँ को मारते पीटते थे इतना, क्यों ड्रिंक करने लग गए थे, अब रीजन, अब सारा रीजन बताऊंगी भाई, सब बताऊंगी। डरती नहीं हूँ, तू एक बार कहेगा, मैं 10 बार कहूंगी कि मैं तेरे बाप से भी नहीं डरती, यूट्यूब किसी के बाप का भी नहीं है, चैनल क्रिएट करना भी किसी का बाप नहीं रोक सकता। तू एक बंद करवाएगा दूसरा खुलेगा, दूसरा बंद करवाएगा तीसरा खुलेगा। तू बंदे, तू बाप लगता है यूट्यूब का, तू चैनल मेरा बंद करवाएगा है? कितने का करवा लेगा? रुकने वालों में से नहीं हूं मैं, और डरने वालों में से तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं हूं। और जो तू धमकी अपना दिखाता है ना, अपनी औकात किसी के बाप का नहीं खाता, तू खाता है। अगर तुझे सपोर्ट ना करती ना तेरे चैनल को, उसका खाता है, तू किसी के बाप का नहीं खाता, तू अपनी पत्नी का खाता है, तू प्रीति का खाता है कमीने। और उसी कमाई को अगर तेरी बहन खाती है, तेरी माँ खाती है, और बहन का बेटा भी खाता है। और आज इनके एडिकेट्स, इनके मैनर, इनका लेवर देख लो, इतनी बकवास कर रहे हैं अपनी बहन के बच्चे को पास बिठा के, छोटे से बच्चे के सामने इनका मुंह खुल रहा है, गटर जैसा मुंह इनका खुल रहा है ना। वाह भाई, ये परवरिश करेंगे ये अपनी औलादों की, ये परवरिश करेंगे ये बच्चों की। तू चले जा, तूने जिस कोर्ट में जाना है चले जा, हाई कोर्ट, ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट। इंटरनेशनल कोर्ट का तो तेरा अभी तक हमारा कुछ नहीं बना, हम तो वेट कर रहे हैं है? इंटरनेशनल कोर्ट के ऊपर भी कोई कोर्ट, जहां मर्जी चले जा। और हाँ, बद्दुआएं देने के लिए तेरी बहन का देख कैसे मुंह खुला, पता कैसे जली जली ना, छन लुमड़ी की जली ना, जली ना, जो पूरी कीड़े पड़ेंगे ये भाई, तो आग लगे, जल के मरोगे भाई, जल के तो छन लुमड़ी तू भी मरेगी, या तेरे को ये जल प्रवाह करके आएगा, ये तेरा कपीना भाई जल प्रवाह करके आएगा तेरे को, तू भी जल के ही मरेगी ना, है ना। तो ये बदुआएं ये वो किसी और को देना है ना, जो वो ऊपर वाला है ना अकाउंट तुम्हारा, वहां भी खुला है, तुम्हारा भी खुला है, मेरा भी खुला है ना, वो अच्छे से हिसाब किताब कर लेगा किसका क्या करना है। सच पे खड़ी हूँ, डरती नहीं हूँ, जो बात कर रही हूँ सच कर रही हूँ, किसी से लेना देना नहीं है, किसी से मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, अपनी खुद मालिक हूँ, समझा। और जो ये तुम, अरे देखो भुखे नंग होंगे ना, जो भुखे नंग कहते ना, भुखा नंग जरा थोड़ा सा उसमें पड़ जाए ना, कुछ पानी थोड़ा सा मिल गया तो उछल उछल के पड़ता है, छलकने लगता है घड़ा, बस वो है। आईफोन आ गया, आग लग गई, तेरे जैसे कि आईफोन तो हम हर साल बदलते हैं, जब भी नया मॉडल आता है तभी ऑर्डर करते हैं, समझा। हमको जरूरत नहीं पड़ती तेरी तरह ये भीख मांगने की, व्यूअर से इधर उधर से नहीं, इतना कमाते हैं कि अपनी सारी खुशियां, अपना सब कुछ अपनी हिम्मत पे, अपने बलबूते पे पूरा कर सकते हैं, समझा। और जितना ये तेरी छनछन लोमड़ी बड़ा बन रही है, ये है इसकी जुत्ती है, उसकी जुत्ती है भाई, इतना तो हम जो क्या उसको बोलते हैं, आधा घंटा घर में किसी से काम करवाए ना उसको दे देते हैं, समझा। और जितनी पूरी तुम लोगों की मंथ की इनकम होगी ना, उतना हम एक हफ्ते में यूज कर लेते हैं, है ना। तो औकात की तो बात, लेवल तो अपना गिना, तेरा लेवल बहुत है, तू अभी तेरा लेवल उठा ही नहीं है यार। बच्चू, अंकल जी, अंकल जी, खमीने अंकल, तुम्हारा लेवल अभी इतू सा, और वो भी अब धक्के खा खा के बुखला गया है तू, इधर उधर की बातें करता है। हाई कोर्ट तू जा, जिस कोर्ट में जाना है जा भाई, शौक से जा जा, डराता किसको है, धमकी किसको देता है। मैं जो करता हूँ वो बोलता हूँ, करके दिखाता हूँ, तो तूने इंटरनेशनल कोर्ट की साल पहले धमकी दी थी, साला अभी तक कुछ नहीं आया है, अभी तक कुछ नहीं हुआ, खुद मान गया, बल्कि भौंक भौंक के पहले भौंकता था पड़ोसी नहीं है, अब खुद साला एक साल बाद मान गया कि पड़ोसन है भाई, पड़ोसन है, तो फिर मेरा तो नहीं ना कुछ बिगाड़ पाया। अब तो मुझे हाई कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट जा, मेरा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने से तेरा कुछ नहीं बनेगा, इंटरनेशनल कोर्ट जा भाई, वहां से क्यों पीछे आ गया, धमकियां किसको देता है, इनडायरेक्टली, डायरेक्ट तो डायरेक्टली बोल, मैं तो तुझे डायरेक्टली बोलती हूँ, और आज मैंने जो कुछ बताया डायरेक्टली सच बताया है,
अभी तो माँ को चुप करके बिठाया है भाई, माँ को अगले ब्लॉग में लेके आएगा। आज मैंने माँ की बात कर दी है ना, आज मैंने माँ की बात कर दी है कि माँ का पास्ट कैसा था। अभी शुरू ही किया है, अभी सिर्फ बताया है कैसे कैसे स्टोरी हुई थी, कैसे मैरिज हुई थी। मैंने बहुत दिनों से बता रही हूँ कौन सा मासर क्यों रिश्ता लेके आया, क्या क्या हुआ। पहला बच्चा इस भंकू का बड़ा भाई, उसका क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको क्या हो गया था और किस वजह से हुआ था। अरे तुम दोनों बच गए, वरना तेरी माँ का साइकोलॉजिकली उस वक्त जो सिस्टम बिगड़ा हुआ था ना, तुम दोनों भी नहीं आने वाले थे। तो नहीं बता दूँ या ना बताऊँ, नहीं जो है ना डायरेक्ट वो मैं अगले व्लॉग में बताऊँ। अब तो ऐसे व्लॉग आते ही रहेंगे भाई, अब तो इनकी डट के इनकी सच्चाई सामने आएगी। जो जो बातें मुझे लगता था कि नहीं ज़्यादा हो जाती इनकी बताएंगे भाई, बातें बताने में ज़्यादा हो जाती है, इन्होंने करतूते करने करते समय नहीं सोचा था। इन्होंने अगर करतूते करते समय नहीं सोचा था तो हम बताते समय क्यों करें भाई, हम बताते समय क्यों डरे, सॉरी करें नहीं डरे, तो मैं तो बताऊँगी है ना। और जिसकी आंखें खुलनी होगी आज, वे ऑफ टॉकिंग देखो, इनके एडिकेट्स देखो भाई, ये ऐसे चढ़े हैं ना दोनों भाई बहन मिलके। जैसे आप सोचो कि ये 10% है, जब प्रीति के साथ ये दोनों लड़ते थे ना तो इससे कहीं 20 गुना 1000 गुना ज्यादा इनकी आवाज तेज और शब्द इतने गंदे कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। फिर आप कहते हो कि आप गलत को सपोर्ट कर रहे हो, प्रीतो को सपोर्ट कर रहे हो, किसी को भी मत करो, इनके झमेले में मत पड़ो। भाई इनके झमेले में पड़ने का, प्रीति को सपोर्ट करने का डिसीजन जो मैंने लिया, इसी वजह से लिया कि एक सही इंसान को किस तरह इन्होंने गलत बना दिया, गलत प्रूव करवा दिया। ये छनछन लोमड़ी की जो आज आपको आवाज सुनाई दे रही है ना, ऐसे ही इसने उन सारे चैनल से कॉन्टेक्ट कर करके उनसे कॉन्टेक्ट किया, उनसे बुलवाया प्रीति के परिवार के, और जैसा इन्होंने खुद किया ना, इनको लग रहा है कि कोई दूसरा कर रहा होगा। भूल जाओ बच्चू, तुम्हारी अकल शकल सब ठिकाने पे आएगा, डोंट वरी सब ठिकाने पे आएगा। कहते हैं ना ईट पत्थर से टक्कर देंगे हम, पत्थर से ईट टूट जाती है, हम तो ऐसे पत्थर हैं, तू जो मर्जी कर ले, टूटने वाले नहीं, चट्टान की तरह खड़ी खड़ी रहूंगी, तू जो मर्जी कर ले, क्या बिगाड़ लेगा तू मेरा है। धमकियां देता है तो देता रहे, तेरी धमकियों बड़े छेक चिल्ली आए और गए तेरे जैसे। एक तो अभी तेरी छेक ही मारी हुई साल पहले की इंटरनेशनल कोर्ट की, अभी तक को कुछ नहीं हुआ उसका, मैं ये कर लूंगा वो पीपनी की तरह बज मत। और एक पीपनी तेरे पास बैठी बज रही है, छकल भी नहीं दिखा रही, क्यों, क्योंकि जब ऐसे गंद बोलती है ना तो मुंह अच्छा नहीं ना लगता है, मुंह अच्छा नहीं लगता, भैंस की तरह मुंह फूल जाता है ऐसे बोलते समय इसका, छन छन लोमड़ी का, उसी की बात कर रही हूँ। अब ये देख लो, लोग मुझे बोलते थे, एक कमेंट आया था कि ननद से इतनी जेलसी क्यों थी प्रीतो की, या इसकी प्रीतो से भाभी से इसकी इतनी जेलसी क्यों थी। जब ननदे सौतने बनकर बैठ जाए ना, फर्क न रहे सौतन और ननद में, तो ऐसे होता है, ऐसी ननदे ही होती है जो सौतनों की तरह बैठ जाती है ना और घर उजाड़ देती है, खा जाती है घर को दीमक की तरह, ऐसी छन छन लूमड़ी जैसी। कितनी देर तक मुंह छुपाओगे, कितनी देर तक असली चेहरा छुपाओगे, डिसेंट शक्लें दिखाओगे, ये रियलिटी वाला अपना फेस सामने आकर बोलने का भी नहीं हुआ इसका। बोलती ना कैमरे में भाई के साथ बैठ के बोलती, फिर इसका बुत्था देखते आप जरा, वो जल रही है, मच रही है, आग लग रही है, बहुत जली पड़ी है। और भाई को भी ऐसे ही प्रवोक किया मुझ पे इतना कुछ भाई। और सबसे बड़ी हैरानी मुझे हो रही है इन संस्कारी और सामाजिक लोगों पर है ना, कि अगले दिन जाना है, क्या उसको बोलते हैं, कश्मीर जाना है किसी धर्म के काम के लिए जा रहे हो भाई, तो अच्छा अच्छा अपना कुछ शुभ तरीके से जाओ, लेकिन नहीं, देखा कैसा मुंह खुला, कितना गंद ये करके जा रहा है। तो भाई कर्मा तो तुझे वही दे देगा फिर भगवान, वो देगा तुझे कर्मा, उसकी करनी देखो, उस ऊपर वाले की करामात देखो, कि इसकी सच्चाई खुलने लग गई है, सामने आने लग गई है। अभी 10% अभी इन्होंने अपनी असली शक्ल दिखाई है, आओ भाई मैदान में, मैं तो कब से वेट कर रही हूँ, कब से वेट कर रही हूँ। जो धार्मिक होते हैं ना, संस्कारी लोग धार्मिक होते हैं, उन्होंने ऐसे कहीं धार्मिक जगह पे जाने का प्लान बनाया हो ना, तो घर से ही अच्छी वाइब्स लेके जाते हैं, है ना, उनकी फैमिली उनको अच्छी वाइब्स देती है। पता है ना कि कोई अगर किसी धार्मिक जगह पे आए, वहाँ जाता है अच्छे तरीके से जाता है। हमारे यहाँ तो ऐसे कोई कहीं भी जाता है, क्या बताऊँ मैं, बताऊँ तो लोग धर्मों की बड़ी बातें छेड़ लेते हैं। जैसे कोई मान लो कि हजूर साहब गया है ना, हमारे वहाँ जब वापस आते हैं ना, लोग उसको मिलते हैं कि ये वहाँ की शू लेके आया है, वहाँ का प्रसाद लेते हैं, उससे मिलते हैं कि उस वहाँ के दर्शन करके आए, उसमें पॉजिटिव वाइब है, उसको मिलते हैं, जाते समय भी पॉजिटिवली जाते हैं। और ये बंदा जाते समय क्या जा रहा है, बोल रहा है कि वहां जाके कंटिन्यू रखूंगा। वाह भाई, भगवान के घर जा रहा है,
ये सब करके जा रहा है? गटर गटर जैसा तेरा मुंह है जब खोलता है, सच में तंबाकू लगा लगा के, एक तो दांत किसी काम के नहीं है, मुंह खोलता है देखने को भी दिल नहीं करता, है ना। और जो तू व्यूज की बात कर रहा है ना कि मुझको व्यूज देते हो, तो भाई तू भी मेरा व्लॉग देख के ये सारी बातें कर रहा है, तुझे कौन सा हवा में रात में सुपने में आ जाता है कि मैंने अपनी ऑडियो में क्या बोला है? तू भी खोल खोल के मुझे व्यूज देता है, तो तभी तो इतना बड़ा चैप्टर तैयार किया तूने कि ये बोलूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। तो बता ना, व्यूज तू देता है भाई, व्यूज तू देता है, पता नहीं कितनी बार देख के डिटेल में सुन के वीडियो, फिर तू बोलता होगा कि आज अब ऐसे जवाब दूंगा, ऐसे हमेशा रिप्लाई करता रहता है, रिप्लाई इतना क्या भाई, इतना क्या डरता है तू मेरे चैनल से, हैं? अब लोगों को मैं एक सवाल करना चाहूंगी, विद पेशेंस लेवल देखो, एक फैमिली जिसको इसने टारगेट करवाया, इसने नहीं, एक और कमीना बंदा था, एक और कमीना कचरा था, उसने भी टारगेट करवाया उस फैमिली को, उस कचरे के साथ ये कचरा मिल गया, बड़ी रूढ़ी बन गई इनकी, होती है ना पिंडों में रूढ़ी जहां पे लोग घर का कचरा फेंकते हैं, बस ये वही रूढ़ी है दोनों, कचरा भी और ये भंकू कमीना भी, ये दोनों रूढ़ी मिलकर 25-20 चैनल खुलवा के उस फैमिली को टारगेट किया, गंद बका बकवाया, बहुत कुछ किया। अभी मुझे जो लोग बोलते हैं ना, ये तो कुछ भी नहीं है, वहां इन्होंने रिश्तों का जुलूस निकलवाया, सब कुछ इन लोगों ने किया, लेकिन हैट्स ऑफ है प्रीति की फैमिली को, उन सबको, कि उन्होंने कभी इसकी तरह हाइपर होके रिएक्शन वालों को जवाब नहीं दिया। और यहां इनको एक चैनल की ही इतनी आग लगी हुई है ना कि बंद करवाना चाहते हैं, बंद करवाना चाहते हैं। अरे भाई जोर लगा लो, दोनों भाई बहन मिलके जोर लगा लो, तो भी कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ये निकाल लिया, वो निकाल लिया, निकालो तुमको जो निकालना है, आई डोंट केयर। ये फालतू की धमकी ना किसी और को देना, और छनछन लूमड़ी खुद अपना मुंह जाके आईने में देख जरा, और अपना पास्ट याद कर, यहाँ लोगों के सामने वो मुंह छुपा के बात मत कर, अगर इतने गट्स है तो फिर सामने आके बात करना, सामने आके कर अपने अबॉर्शंस की बात। हमने तो अबॉर्शन बोला था, तुमने तो अबॉर्शंस बोल दिया कि प्लस हुए हैं, वो तेरी जुबान से सच्चाई निकल गई ना कि एक नहीं भाई इतनी जगह मुंह मारा है तो फिर एक कहाँ हुआ, अगर ज्यादा ही हुए होंगे, है ना। तो पेशेंस एक चैनल बर्दाश्त नहीं हो रहा, और फिर बात क्या की जाती कि आपने हद कर दी, भाई अभी तो मैंने हद की नहीं है, अब करूंगी, अब देख आगे क्या, आगे कैसे हद करती हूँ, तू रोक लेगा, क्या रोक लेगा, ये कंप्लेंट यूट्यूब अपने यूट्यूब के उसके फैमिली पे डाली है, यूट्यूब पे वहां डाली, तो जहां मर्जी डाल, यूट्यूब वाले ज्यादा से ज्यादा क्या कर देंगे, चैनल बंद कर देंगे, दूसरा खुल जाएगा, दूसरा खुल जाएगा, डोंट वरी, ऑलरेडी एक दूसरा है ना। अरे हाँ मेरे सब्सक्राइबर, मैं आपको उसका भी शेयर करूंगी दूसरे चैनल का, ठीक है, आप उसको सब्सक्राइब कर लो, यहाँ एक दिन भी लगे ना बंद हो गया चैनल, नजर नहीं आ रहा, तो भाई दूसरे पे हम आ जाएंगे, ठीक है, दूसरे पे आ जाएंगे, टेंशन मत लो। आई थिंक आप में से बहुत लोगों को पता होगा ना उस चैनल के बारे में भी, व्लॉग्स विद जमील, देख लेना, मैं उसका लिंक छोड़ दूंगी इसमें, है ना, उसको सब्सक्राइब कर लेना। ये बंद करवा देगा कोई बात नहीं, उससे आएंगे, उसके साथ ही एक और तीसरा क्रिएट करेंगे, उसमें लिंक छोड़ेंगे, ठीक है, फिर उस पे आ जाना, डोंट वरी, कंटिन्यू रहेगी जंग, हम भी मैदान में है, पीछे नहीं हटेंगे, हथियार डालेंगे नहीं, समझा, हथियार डालेंगे नहीं। तू समझता है कि इतनी देर में बंद करवा लेंगे, ये करवा लेंगे, तो नहीं भाई, बंद नहीं होगा। अब तो तेरी बहन को भी खुला इनविटेशन है, लोमड़ी को, खोल चैनल, हाँ तू चैनल लेके आएगी, आ ना, डोंट वरी, तू चैनल लेके आ, फिर जंग आमने सामने होगी, तू टेंशन मत ले, तू आ तो सही, फिर वो पत्ते भी हैं मेरे पास, तू ठाठा सबूत मारेगा मेरे, वो पत्ते ठाठा फेंकूंगी ना, फिर दुखती रग पे लगेंगे जाके, दुखती रग पे, पता नहीं किस किस का तुमको फिर डीएनए करवाना पड़ेगा, अपने पूरे परिवार में किस किस का डीएनए करके प्रूव करवाना पड़ेगा कि ये उसका है, ये उसका है, ये उसका है, समझा, समझा। पेशेंस, ये देख लो पेशेंस, पॉजिटिव और पेशेंस बंदा देख लो, यहां तक गिर गया, यहां तक गिर गया भाई, 38 को 38 मारेगा, 38 को 39 मारेगा, जब तुम दोनों पे 40 पड़ेगी ना तो चीखें निकलेंगी, चीखें, दोनों भाई बहनों की इकट्ठी चीखें निकलेंगी, समझा। एक चैनल बर्दाश्त नहीं होता, एक चैनल, सच बता रहे हैं ना भाई, मिर्चे तभी लग रही है, जल रही है तभी मिर्चे लग रही है, और ऊपर से इसको है पंजाबी वाली बवासीर, वो औखा हो रहा है कितने दिनों से, इसीलिए सारा गुस्सा अब आके व्लॉग बना के निकाल रहा है, समझ रहे हो ना, प्रॉब्लम है, गुस्सा किसी पे निकाल रहा है, तो डरती नहीं हूँ मैं भाई, ये नहीं बंद होगा, नहीं तू जोर लगा ले, नहीं बंद होगा। पेशेंस, हमें बड़ा पेशेंस है, हम बड़े एडिकेट मैनर्स वाले हैं, हमें बड़ा पेशेंस है, धार्मिक जगह में जाने से पहले ये कड़ी खिलार के, ये गंद खिलार के जा रहा है,
और पेशेंस की बात करता है। भाई 25 चैनलों ने कुत्तों की तरह बकवास कर ली, तब भी ऐसे रिएक्शन उस फैमिली की तरफ हमने किसी व्लॉग्स में नहीं देखा कि उन्होंने ऐसे हाइपर होके ऐसे वर्ड यूज करके उन्होंने अपना जवाब दिया हो। वो तो आज तक भी चुप अपना नॉर्मल अपनी रूटीन में व्लॉग बनाते हैं, हमने कभी ऐसे हाइपर नहीं सुना कि उनके रिएक्शन वाले बदतमीजों ने रिश्तों की ही इज्जत उतार दी है सभी ने, इसके सपोर्टर चैनल ने, एक्चुअली इसके सपोर्टर्स चैनल ने। लेकिन उधर से हमने कभी नहीं सुना कि तेरी तरह इकट्ठे होकर है बहन का सहारा लेना पड़ा है ना, इस तरीके से व्लॉग बनाकर किसी को ऐसे जवाब दिया हो। नहीं भाई, भाई हैट्स ऑफ, वो तो 25-25 चैनल को झेल गए, तो उससे एक नहीं झेला जाता, तेरी हवा टाइट कर दी है एक चैनल ने। शुरू से जनानियों का सहारा लेता है तू, जनानियां जनानियां बोल रहा है ना, तू कभी किसी को कभी किसी को, तू खुद जनानियों का सहारा लेता है, है? मां पीटती थी तो जनानी के पीछे जाके छुपता था, वही प्रीति के पीछे जाके छुपता था। जनानी का सहारा लेके ही तूने अपना यूट्यूब चलाया, जनानी का सहारा लेके ही तूने गाड़ी चलानी सीखी, जनानी का सहारा लेके ही तूने लोगों को प्रूव किया कि मैं मर दूं, जनानी का सहारा लेके ही तूने अपना ग्रो किया अपना चैनल, जनानी का सहारा लेके ही तू यहां तक पहुंचा जहां है। खुद में तेरी मर्दानगी है कहां, कौन सी तूने मर्दों वाली हिम्मत वाली बात की है, जहां तक पहुंचा है जनानियों का सहारा लेके तो पहुंचा है। तो बात करता है और बोलता भी, जनानी भाई मर्द है ना तो मेरा तो तुझे एक चैलेंज है, आज खुलेआम चैलेंज है कि मर्दों जितनी दाढ़ी उगा के दिखा। फिर लोग बोलते हैं बॉडी शेमिंग नहीं भाई, अगर किसी की दाढ़ी पर सवाल उठा है ना तो फिर ये उगा के दिखाए, उतनी उगा के दिखाए, मेरा चैलेंज है। और मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरे व्यूअर्स को, सबको मेरी रिक्वेस्ट है कि सच में दूसरा चैनल है ना जो, उसको करो, उसको सब्सक्राइब करो, ताकि अगर कभी इन फ्यूचर यहाँ पे कुछ होता है तो हम वहाँ हाजिर हो जाएंगे, वहाँ फिर आपको तीसरे चैनल का लिंक दे देंगे, डोंट वरी। लेकिन मैं स्टॉप नहीं होंगी, स्टॉप होने वालों में से मैं नहीं हूँ, अब तो मैं अच्छी तरह से उखाड़ूंगी इनको, जड़ों से उखाड़ूंगी। धमकी नहीं दे रही हूँ कि मैं मार दूंगी कर दूंगी, नहीं भाई, सच्चाई को जड़ से उखाड़ूंगी, खुरेद देंगे अच्छी तरह से, सच निकालेंगे, खुरेद खुरेद के सच निकालेंगे भाई। मॉरल ऑफ द स्टोरी, चुभती वही बातें हैं जो सच्ची होती हैं, हैं चुभती वही बातें हैं जो सच्ची होती हैं, सच्ची है तो जली है इनकी, बहुत जली है, पता चल रहा है कितनी तकलीफ हो रही है ना। तो अगर मेरे व्यूवर्स को लगा हो कि कुछ ज़्यादा हो गया था, आई एम रियली सॉरी, बनता था इतना मेरा रिप्लाई करना बनता था, और मैं चुप नहीं करूँगी, मैं अब डेली आपको ऐसे ही रियलिटी से वाकिफ कराती रहूँगी जो सच्चाई है। और ये मत समझना कि इसकी वजह से, इसकी धमकियों से डर के मैं चुप कर जाऊँगी, नहीं भाई, आप लोग सपोर्ट करो, देखो समझो, है ना, सोचो ना कि बोलना जो रियल करेक्टर है कैसे सामने आते हैं, रियल फेसेस कैसे सामने आते हैं, कैसे आप रीड कर पाते हो, कैसे आप समझ रहे हो, समझो ना इस सिचुएशन को, देखो समझो, समझ पाओगे तब आप कि कैसे कोई और सरवाइव करता होगा इनके बीच, है ना। तो मुझे ये चुप नहीं करवा सकता, तो आप उस दूसरे चैनल को, व्लॉग्स विद जमील को सब्सक्राइब करो, वैसे तो इसी चैनल का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, अगर कुछ कर लेगा तो भाई हम वहां आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन अब मुझे चुप नहीं करा सकता। और जो मुझे बोलते थे ना, इसको एक्सपोज करो, तो बस अब मैं डरूंगी नहीं, अब आगे के आगे पूरी फैमिली बैकग्राउंड, सारी स्टोरी आपके सामने आएगी। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में, बाय बाय।